Hello students, let's solve this question. Relation between mean, median and mode is okay. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसमें वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मीन, मीडियन एंड मोड में क्या रिलेशन है, ये हमको बताना है. ओके, सो जैसा कि आपको याद होगा, स्टेटिस्टिक में आपके पास एक लास्ट में ये फॉर्मूला, ये रिलेशन दिया जाता है, जिसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं. तो चलिए देखते हैं कि क्या है. गिवन इसमें कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे ही आएंगे. तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. तो अगर आप इस सॉल्यूशन को एनसीईआरटी में देखेंगे या बुक में देखेंगे, तो फॉर्मूला इज, आप ऐसे लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन. मोड एंड मीडियन. तो जो आपको वहां देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा. इट इज 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन. दिस इज अ फॉर्म. ओके, बट जो हमें ऑप्शन गिवन है तो उसमें जो करेक्ट रिलेशन आपको देखने को मिलेगा वो ये है. बट जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो कुछ इस तरीके से हैं. इट इज मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. 3 मीडियन माइनस 2 राइट गाइस. तो हम यहां लिख देते हैं. सो रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन क्या है. इट इज अगेन 3 मीडियन माइनस 2 मीन. मैं यहां लिख लेता हूं. तो इट इज मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं इसको रब करके पहले फिर से लिख देता हूं. देखिए, सो इट इज mode equal to this, correct. So हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए ए. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. ऑलराइट, थैंक यू.